उद्भव विजन फाउंडेशन और विकास अध्ययन संस्थान जयपुर के संयुक्त तत्वावधान में 6 दिवसीय स्वावलंबन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में दृष्टिबाधित लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। फिक्की फ्लो जयपुर चैप्टर की चेयरपर्सन रघुशरी पौदार ने इस पहल की सराहना। कहते हैं कि हर आदमी के अंदर एक जीव है जो जीव सीखना चाहता है, इसीलिए उसने ये शरीर धारण किया है। तो जब ये धारण करता है तो उसको हर रूप में एक एनर्जी मिलती है, जिसको हम बोलते हैं सोर्स, ऊर्जा का। और ये ऊर्जा किस रूप में आप में बैठी हुई है ये नहीं पता। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये इन स्पेशल बच्चों के लिए है या इनके लिए है। ये एक ऊर्जा का माध्यम है जो आपके अंदर है। इस चेतना को जगाने के लिए ये बहुत सुंदर कार्यशाला की गई है। इस कार्यशाला में डिजिटल लिटरेसी, जिसे हम आगे बोलते हैं कि डिजिटल भारत का जो नाम दे रहे हैं हम फ्यूचर में पढ़ने के लिए। हमारा ऑर्गेनाइजेशन समाज में दृष्टिबाधितों को न केवल डिजिटल लिटरेसी और रोजगार के अवसर प्रदान करने में सक्रिय रूप से काम कर रहा है, बल्कि एक कोर थीम ये है कि उनके प्रति समाज में सोच में परिवर्तन आना चाहिए। जब एक दृष्टिबाधित को कोई भी सामान्य साइटेड आदमी या और कोई भी देखे तो उसके मन में ये आए कि यस, वो किसी से कम नहीं है, वो भी एक हमारे में से ही एक समाज का अभिन्न हिस्सा है, जिन्हें वही उनकी गरिमा और मर्यादा का सम्मान होना चाहिए जैसे बाकी लोगों का। आज के जो प्रोग्राम है, जो उद्भव फाउंडेशन और बाकी सारे जो कंट्रीब्यूटर हैं उनके साथ जो मिल के कर रहे हैं, ये एक अलग टाइप का प्रोग्राम है हमारे लिए, और बहुत इसके लिए हम बहुत आभार हैं सारे ऑर्गेनाइज़र का, क्योंकि ये कुछ जो लोग दृष्टिबाधित हैं उन लोगों के लिए उनकी ज़िंदगी को और बहुत अच्छे तरफ से निखारने के लिए ये एक अनोखा प्रयास हमारी तरफ से सर लोगों के साथ मिल के कर रहे हैं।